अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो टू एवरीवन। आप देख रहे हैं फॉनवर्ड लाइव और आज एक नए कंपैरिजन के साथ हम आए हैं आपके लिए। दो मज़ीद मुख्तलिफ डिवाइसेस लेकर आए हैं जिसमें एक डिवाइस हमारे पास मौजूद है रियलमी 6 और दूसरी डिवाइस हमारे पास जो मौजूद है वो है रेडमी नोट 9S। तो आज हम इन दोनों डिवाइसेस का करेंगे हीट टेस्ट, बूट टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों ही डिवाइसेस ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme 6 की। तो Realme 6 का डिस्प्ले साइज हमें मिलता है 6.5 इंचेस और रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो वो हमें मिलते हैं 1080x2400 पिक्सल्स। OS Android 10 मिलता है, चिपसेट हमें इसमें Helio G90T मिलता है, GPU हमें इसमें मालिका मिलता है, स्टोरेज इसकी है 4GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ रोम। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें हमें बैटरी मिलती है 4300mAh की जो कि 30W फ्लैश चार्ज के साथ मिलती है। और अब बात करते हैं Redmi Note 9 की। तो दूसरी तरफ जो Redmi Note 9S हमारे पास डिवाइस है उसका डिस्प्ले साइज़ है 6.67 इंचेस, 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन है। ऑलमोस्ट दोनों का रेजोल्यूशन सेम है और OS Android भी 10 है Redmi Note 9S में, तो Android वर्जन भी दोनों डिवाइसेस का सेम है। चिपसेट की अगर बात करें तो Redmi Note 9S में हमें जो चिपसेट मिलता है वो है Snapdragon 720G, GPU इसमें Adreno मिलता है हमें 618, स्टोरेज इसकी है 6GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ रोम। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें 5020mAh बैटरी मिलती है लेकिन वो बैटरी हमें मिल रही है 18W फास्ट चार्जिंग के साथ। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो दोनों डिवाइसेस की प्राइस सेम है 39,999, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो Redmi Note 9S में हमें बैटरी थोड़ी बड़ी मिलती है जो कि है 5020mAh की, और स्टोरेज की अगर बात करें तो हमें इसमें रैम मिलती है 6GB ऑफ रैम एंड